तो मीरा जी साहब हम लोग कहाँ जा रहे हैं यार, बताइए बताइए तो कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग मीरनी साहब के बॉस के लिए चाय खाएं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग मीरनी साहब के साथ इनके मकबरे जा रहे हैं जहाँ मीरनी साहब जो है वो आराम फरमा रहे हैं। सीनियर मीरनी साहब, ये तो जूनियर हैं। जनाब ये हमारे मीरनी साहब शान अकबरी गेट लखनऊ। जी जी, बेशक घर आने वाले, बेशक बेशक बेशक। ये जो है यहाँ का मेरा हुसैनाबाद स्ट्रीट है मेन, वो आपको घंटाघर नजर आ रहा है और भाई हमारे साथ है खानदानी लोग, वजाद बॉस और मीरनी साहब, वली बॉस और रूहानी बॉस, पीछे आ रहे हैं रूहानी शख्सियत बॉस, अजीत भाई डी आर बॉस। ये यहाँ पर क्लॉक टावर है घंटाघर, ये काफी मशहूर जगह है और ऐसे ही वजह वली भाई मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं शाम के वक्त घूमने। ये यहाँ पर वो है और ये हुसैनाबाद स्ट्रीट है, खाने पीने का सारा इंतजाम है और देखिए बिरयानी साहब एकदम जबरदस्त लग रहा है वैसा की तरह। आप कश्मीरी, आप कश्मीरी लगते हैं। बजाज बॉस शिमला से गया है असल में। क्या हुआ जनाब, क्या सिलसिला है? काजी भाई ऐसे ऐसी क्यों करते हैं भैया, खास वजह पाकिस्तानी मोमिन जो है ना, पाकिस्तानी इतनी प्यार करता है, इतनी प्यार करता है कि उसका कोई जवाब नहीं फरमा रहे और शकील है और मोमिन करता है ना, तो हम मोमिन का है, मोमिन का असल क्यों है ना, बेशक कर रहे काजिम भाई। अब यहाँ से मेन स्ट्रीट स्टार्ट होती है जहाँ हम लोग पहली दफा यहीं से आए थे ना। अब ये एग्जैक्ट स्ट्रीट है, पहली दफा हम लोग अकेले आए थे, आज जो है वो जो इनके चश्मो चिराग है मीरनीस के वो साथ आ रहे हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं। ये मेन स्ट्रीट है, यही मीरनीस का मकबरे की स्ट्रीट है मेन, और यहाँ हम लोग एग्जैक्टली अंदर जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एकदम आखिर तक ले चलेगा वली भाई जी। ये रहनुमाई कर रहे हैं कासिम भाई और ये देखिए यहाँ से इन है, उसके बाद फिर यहाँ से एक और बोर्ड है और उसके बाद एग्जैक्टली ये जो है वो मतलब मकबरा आ चुका है, ये है वो एग्जैक्ट। और आज हम पहली दफा हम लोग अकेले आए थे, मैं थे काजिम भाई थे, लेकिन आज जो है वो असल चश्मो चिराग जो है वो मौजूद है और साथ में वजाद भाई तो है ही। जनाब आई जनाब रहनुमाई करिए जी जी, आप हम रुके हैं, आप आइए वजाद भाई, पहली दफा आप आ रहे हैं, आपको क्या ख्याल आते हैं? ये मेरे नहीं सबका मकबरा है, खुदा शुक्र इंशाल्लाह जी। अजना आप अपने रुख अनवर तो दिखाइए, बताइए क्या हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और खास कर आप लोगों साथ, तो जी आपके साथ आज का जी। जनाब आप बताइए, आप इतना क्यों शर्मा रहे, क्यों खास कर इख्तियार किया? हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, गाड़ी हमें चलाना पड़ेगा और वहाँ वहाँ पड़ेगा, आप हाथ पकड़िए इनका। नहीं नहीं जनाब, जनाब ऐसी इसकी कोई बात ही नहीं है, भाई कोई बात ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं? अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अरे आराम से आराम से आराम से। बॉस को पकड़िए जनाब, मोबाइल लाइए आप जाइए, बॉस को पकड़िए। नहीं 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 मैम, जी जी फुटबॉल खेला जनाब, पकड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है जनाब, अभी जनाब कैमरा मैन नहीं करेंगे आप, तो फिर जनाब फिर उधारी लेना पड़ेगी, इंटरेस्ट नहीं करते। आइए दिखाते हुए रही, ये जो है यहाँ पे मकबरा है और पिछली दफा जो है लॉस था, लेकिन आप कह सकते हैं जो बारिश है वो कुछ हमें बुला रहे हैं। ये मीरनी साहब का मकबरा है, ये नजर आ रहा है, आइए
ये ज्यादा हो रहा है, पास आइए, वीडियो वीडियो के बाद ज्यादा हो रहा है। आइए आप भी आइए जनाब, जनाब तो आइए इधर आ जाइए। और लोग तो ये मिरनी साहब का मकबरा है, खुदा सुखन का। और इधर आइए आप, इन चश्मे चुरा को बुलाइए जनाब, ये चश्मे चिराग है मिरनी साहब के। और कौन सी पुश्त है जनाब? पर पोते आठवीं है मिरनी साहब की, वैसे इनका नाम सईद मोहम्मद अली जैदी है, जिनका जो आप तखल्लुस है वो लवी नवाब साहब नहीं नहीं और हमारे बहुत अजीज है दिलदार शख्स बजाज भाई भी पहली दफा है जी, बजाज भाई पहली दफा है। तो आज हम लोग मिरनी साहब के मकबरे में मौजूद है और अभी ये आपको सुनाएंगे भी क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा मिरनी साहब ये पढ़िए कि ये क्या लिखा है। ये फारसी का शेर है, तो ये तो आपको पता है, ये फारसी का एक शेर है जो मिरनी साहब पढ़ेंगे। पढ़िए। चीज ई ऐवानिये आलियो नफीस, ख्वाबगाहे ख्वाबगाह शायरे आजम अनीस, ख्वाबगाहे शायरे आजम। तो ये फारसी का जुमला, इसका थोड़ा सा मफहूम। चीज ई ऐवानिये आलियो नफीस, ख्वाबगाहे शायरे आजम अनीस, मतलब ये जो है वो ख्वाबगाह है। हाँ, ख्वाब शायरे आजम अनीस, अनीस साहब की बेशक जबरदस्त। आइए जनाब, बिस्मिल्लाह, आइए आप, आइए जनाब, आप चलेंगे तभी तो हम ये आएंगे। पहले सूरह फातिहा पढ़ ले फिर आगे बात करते हैं। तो काजी भाई ये है स्ट्रेट, वैसे यहाँ ऐसे रखे, ये जो है ये मिरनी साहब की कब्र है। अभी मैं इनसे डिटेल में लूंगा कि ये फरमा रहे थे पिछली दफा कि और भी लोग जो है वो दफन है, लेकिन एक दफा भी एग्जैक्टली इधर आके दिखा दे और आप नरेट कर दे कि क्या लिखा हुआ है। अरे आप पढ़ लेना जनाब, पढ़े पढ़े। खुद नवेदे जिंदगी लाई कजा मेरे लिए, खुद नवेदे जिंदगी लाई कजा मेरे लिए, शमे कुश्ता हूँ फना में है बखा मेरे लिए। जी माशाल्लाह जी, ये मिरनी साहब का शेर है या? जी, और इसके बाद इनकी शान में जनाब दबीर साहब जो एक और बेमा कामिल सैयदुल रूहुल अनीस, सैयद रूहुल अनीस, तूरे सीना, तूरे सीना बे कलीमुल्ला मिंबर बे अनीस, बे अनीस। तो ये दोनों फारसी के जुमले जी, अब ये उसका है। तो पहला वाला जो जुमला है, पहला जो शेर है, वो मिरनी साहब ने खुद लिखा है और दूसरा जो है उनकी शान में तबीर साहब जो उनके जमाने में गुजरे उन्होंने लिखा है। और मिरनी साहब का जो असल नाम था वो यहाँ मीर बबर अली अनीस जी, बबर अली है, बाबर नहीं है ना, बबर अली अनीस, बबर बे बे जी, बबर अली अनीस है। और इसमें शायद विसाल लिखा है जी जी, वफात 29 शव्वाल 1691 हिजरी में। ये जो है मिरनी साहब मुझे भी बताई कि यहाँ का फरमाया थे और लोग भी दफन है, तो कहाँ क्या है, सिर्फ फरमाइए। जितने भी खानवादे के लोग हैं वो सब यहीं दफन है। अच्छा, यहीं पे सारे मौजूद हैं जी, इधर मेरे दादा की खबर है, इधर मेरे फूफी की खबर है, इधर मेरे परदादा की, उधर आगे जाके उसके सकल दादा की है जी। इस सिलसिले तो यहाँ पे इस चौथ दिन में बहुत लोग। अच्छा, इस बारे में फरमाए कि मिरनी साहब क्या मतलब, जो आप जैसे कि अभी जनरेशन है तो आप ननिहाली साइड से, तो इनकी दधियाली साइड का कुछ फरमाया, वो क्या हुआ, कौन लोग हैं या नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्या सिलसिला रहा, कुछ फरमाया। तो मिरनी साहब के जो पोते थे उनका अक्स से पहले इंतकाल हो गया था जी, तो उस सिलसिले से उनकी नस्ल आगे नहीं चली थी, तो उनकी बेटी से ही नस्ल आगे चली थी। अच्छा, बेटी के बेटों से ये सिलसिला था, तो बेटी के बेटों से ही हम लोग। वली भाई काजिम भाई बजाते, आप लोग कुछ फरमाएं अगर अच्छा है पूछिए। जी, अपने आप में बहुत अजीम शख्सियत गुजरे हैं जी, उन्होंने एक जबरदस्त रुबाई भी गई है बॉस के लिए। नहीं नहीं ठीक है, तो ऐसे ही लोगों के लिए जिन लोगों की जो है खाकसारी जो इख्तियार करते हैं, जैसे आप हैं, आप हैं तो इन सब लोग जो खाकसारी इख्तियार इसकी रुबाई उनके लिए रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरोतनी को जा देता है, वो दिल में इंतजारी को जा देता है, जगह देता है, वो दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मुल्क सना आप अपनी, करते हैं तही मुल्क सना आप अपनी, जो जर्फ की खाली है सदा देता है।
जी ये माशाल्लाह आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जबरदस्त। एक एक आप नजदीक आए पहले आप लोग, एक एक मिरनी साहब, एक रजस भी पढ़ते मिरनी साहब की, इधर आइए जनाब आप सारे लोग, आइए नजदीक आइए। एक रुबाई ये भी है कि बालिदा हूँ वो और मुझे आज मिला, जिल्ले अलम है साहिब मेराज मिला, मिंबर पर नशिस्त सर पे हजरत का अलम, अब चाहिए क्या तख्त मिला ताज मिला। जबरदस्त जबरदस्त जिसपे ये कहा कि मतलब अब चाहिए क्या जब तख्त मिला ताज मिला। जिसका तमाम इल्म शऊरी है दोस्तों, तशद्दुद में उसका नाम जरूरी है दोस्तों, जिसके बगैर दीन के पैगर में जा नहीं, किस मुंह से कह रहे हैं वो जुज्वे अज़ा नहीं। वाह 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 जबरदस्त, क्या बात है, जोश मार दिया खून ने। तुम तीन ले लो, हम एक चाहिए, बंटवारा कुछ अजीब नहीं है। जबरदस्त ये तो तीन ले लो। अच्छा रिजवान भाई आपको कॉल आया है, आपसे बात कर रहे हैं, आप नजदीक आ रहे हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब फरमाइए। जनाब वो आप फ्री हैं आज? बताइए क्या हुआ। नहीं जनाब वो वहाँ पे अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं, बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी जहाँ मुनाफिक है जल रहे, अली का खाके अली को भौंके, ये तेरा ही तो ज़र्फ है मुल्ला, तेरे जैसे हजार कुत्ते अली के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं। वाह 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 जबरदस्त, क्या कहने, जबरदस्त ये सब सिलसिला है। अब आप बिस्मिल्लाह अली अली जी, अली 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 उस हवाले से कि कैसे सैयदों के घरों में नाम लिया जाता है, अब सुना दी, अब सुना पड़ेगा, कैसे सैयदों के घरों में नाम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला कुल कायनात अली इब्न अबी तालिब अमीर अल मोमिनीन इमाम मुत्तकीन शाह मर्द शेर ज़कूवत परवरदिगार ला फता इल्ला लिल्लाह साहिब सिद्दीक अलैहि सलाम। बेशक बेशक, एक और चीज जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअला मिनल मुत्तमसखीन बिललाति वसुल्तान वसियास सुखन गज़ार सलेलीन सरद मुतरबीन दम बिन नबी दुर अलताबिर बिन माशा सवाल तवदा पेशवा अंबिया उतुल उसका काम तो उसका रुकन औलिया आयतुल्लाह अल उस्मा خیر المؤمنین والمتقین ابو العابدین اسد زائدی زال وادی حل اللہ بدی لگے اور اوس مون زمین وجل اللہ عز اللہ سر اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ عبد اللہ اسد اللہ من غالب آ جان علی ابن ابی طالب۔ واہ زبردست زبردست، بہت عمدہ بہت عمدہ، دل میں اتر گیا، تاری ہو گیا بالکل۔ پچھلی ویڈیو سے اب سپیڈ میں زبردست زبردست आपने तो कैमरा मैन है जनाब, हम तो अब लाइव। चलिए बहुत शुक्रिया मिरनी साहब आपका, वजाद भाई आपका शुक्रिया, काजिम भाई आपका शुक्रिया, वली भाई आपका शुक्रिया। जी आप पढ़े क्या लिखा है एक दफा? जी आप पढ़े, पढ़ी पढ़ी ई ऐवानिये आलियो नफीस, ख्वाबगाहे शायरे आजम अनीस।